नमस्कार, स्वागत है आपका बोल्ड स्काई में। आपके साथ मैं हूं दीपिका नयाल। पिछले कुछ समय से टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस दिव्यांका त्रिपाठी के एक्स बॉयफ्रेंड शरद मल्होत्रा अपनी शादी को लेकर चर्चाओं में बने हुए हैं। शरद मल्होत्रा जल्द ही रिबकी भाटिया के साथ शादी करने वाले हैं और इस पवित्र बंधन में बंधने वाले हैं। खबरों के मुताबिक दोनों 20 अप्रैल को शादी करने वाले हैं और ये शादी मुंबई के गुरुद्वारे में होगी। पिछले कुछ समय से शरद मल्होत्रा और रिबकी भाटिया की शादी का कार्ड भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके बाद फैंस भी दोनों की शादी को लेकर एक्साइटेड हैं और शादी का कार्ड उनके फैंस को भी काफी ज्यादा पसंद आया है। बहरहाल इस बीच अब सोशल मीडिया पर शरद मल्होत्रा और रिबकी भाटिया की तस्वीर भी वायरल हो गई है। शरद मल्होत्रा और रिबकी भाटिया इस तस्वीर में बेहद रोमांटिक अंदाज में नजर आ रहे हैं। मिली जानकारी के मुताबिक ये तस्वीर दोनों के रोका सेरेमनी की है। इस रोका सेरेमनी में शरद मल्होत्रा ब्लू सूट में दिखाई दिए तो वहीं रिबकी भाटिया पिंक कलर के देसी ड्रेस में नजर आई। सामने आई तस्वीर में आप देख सकते हैं कि शरद मल्होत्रा ब्लू सूट में काफी ज्यादा डैशिंग दिखाई दे रहे हैं। मिली जानकारी के मुताबिक इस रोका सेरेमनी में परिवार के अलावा कुछ करीबी दोस्त भी शामिल हुए थे। आपको ये भी बता दें कि 20 अप्रैल को शरद मल्होत्रा और रिबकी भाटिया की शादी होने से पहले 18 अप्रैल को प्री वेडिंग कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे। टीवी एक्टर शरद मल्होत्रा की शादी को लेकर रिबकी काफी ज्यादा उत्साहित है। तभी तो रिबकी ने अपने शादी का कार्ड सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए अपने फैंस को इस बात की जानकारी दी है। आपको बता दें कि दिव्यांका त्रिपाठी और शरद मल्होत्रा 6 सालों तक एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में थे, लेकिन अचानक इन दोनों का ब्रेकअप हो गया। इसके बाद दिव्यांका ने अभिनेता विवेक दहिया से शादी रचा ली। बहरहाल देखना ये होगा कि ये कपल शादी के मौके पर कैसा दिखाई देता है, क्योंकि फैंस को इनकी शादी का बेसब्री से इंतजार है। फिलहाल इंतजार कीजिए 20 अप्रैल का, जब दोनों शादी के बंधन में बन जाएंगे। खैर, हमारे इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन बाकी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।